कौन सी पत्ती होती है? आप बोल रहे थे अभी नाम भूल गए, नाम भूल गए तो है ना, चलने में थक जाते हैं हम, खेत दूर है क्योंकि। वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे आप सभी, उम्मीद करती हूँ सब अच्छे हो गए। सो आज जो हूँ मैं काफ़ी टाइम के बाद जो हूँ खेत जा रही हूँ, तो आप लोगों के साथ मुझे लगा शेयर कर लेती हूँ, वीडियो बनाऊँ, मुझे लगा व्लॉग बना लेती हूँ। सो अभी जो मैं खेत जा रही हूँ, सबसे तो खेत क्यों जा रही है मैं बता देती हूँ। आजकल जो हमारे यहाँ पे जो है, जैसे कि कोई फसल उगाई होती है आ जाती है, तो उसी तरह से जो हमारे अखरोट का जो है आजकल सीजन में क्या, तो अखरोट आ चुके हैं, तो आपको दिखाते हैं मैं यहाँ पे भी जो है सर्दियों के टाइम, सर्दी आने के पहले जो है काम बहुत सारा होता है गाँव में, तो यही काम होता है आजकल फसलों को निकालना। और ये रहा आज का व्यू, खेत में जो पहुँच चुकी हूँ, बट मुझे इस वाले खेत में नहीं, नीचे वाले खेत में जाना है जो दूर है, तो अभी जो यहाँ से जो मैं पानी लेके जाऊँगी क्योंकि नीचे पानी नहीं है, तो मम्मी ने कहा कि यहीं से पानी भर के लेके जाना है, तो मम्मी ने कॉल की, तो मम्मी पहले ही चले गए थे। तो मैं दिखाती हूँ इस खेत में मैंने क्या क्या किया। सब्जियाँ उगाई होती है तो देखिए इस तरह से जो है सब्जियाँ साइड को जो है वाटर टैंक बना हुआ है, तो देखिए हमारी सब्जियाँ इस वाले खेत में, बस सब्जियाँ और अनार के पेड़ मिलेंगे और नींबू के पेड़ मिलेंगे, बहुत कुछ है इस वाले खेत में जो दादू ने बहुत मेहनत की है, तो मेहनत दिख ही रही होगी, कभी दिखाऊंगी अगली बार। सो अभी जो मैं यानी नलके से पानी निकाल रही हूँ, आवाज़ बहुत कर रही है, हल्का रुक रुक के पानी आ रहा है, दिखाती हूँ आप लोगों को भी। भाई इसी में मेरा आधा घंटा लगने वाला है, ऐसा लग रहा है कुछ इस तरह से जो यहाँ से पानी आ रहा है। और इस साइड को जो हमारा अखरोट का पेड़ है, इसमें हम इसे हम बाद में निकालेंगे, तो आज दूर वाले खेत में जा रहे हैं, दिखाऊंगा आपको हाल है भाई। ऊपर से मैं आज अकेले जा रही हूँ क्योंकि मम्मी पहले जा चुके थे। देखिए किस तरह से रास्ता है। इस वाले खेत के लिए मैं कभी भी अकेले नहीं जाती हूँ, बट आ जाना पड़ रहा है क्योंकि मुझे जो कि घर का काम था जो करना ज़रूरी था, तो मम्मी पहले चला गए थे, और पहले इसलिए चला गए थे क्योंकि मम्मी के साथ कोई और भी था, जो अखरोट को जो अखरोट के जो पेड़ होते हैं बहुत बड़े होते हैं, तो उसे निकालना बहुत मुश्किल, तो डंडे की मदद से निकालते हैं, उसमें चढ़ना बहुत मुश्किल, तो मम्मी इसीलिए पहले चला गए थे। और मैं जो अब उठाने जाऊँगी, तो अखरोट उठाने में उतना टाइम नहीं लगता जितना खुद पानी उठाने में लगता है, अपनी कोट उठाने में, तो ये मुझे इजी काम लगता है। तो अभी जो है मैं जाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, थोड़ा दिखाती हूँ आपको यहाँ से व्यू। आजकल इस तरह से जो है आजकल जो घास का सीजन है, तो इस तरह से जो हम घास को जो है सर्दियों के लिए स्टोर करके रखते हैं, तो देखिए घास जो पूरा काट लिया है यहाँ पे। ये रहा डिस्ट्रिक्ट किलू जो आपको दिखाई दे रहा है, तो चलिए मिलते हैं खेत में। चलो चलो अखरोट अखरोट पहुंच चुके हूँ खेत में, अब जो हम अखरोट उठाएंगे। ठीक है जो दौड़ो इसे हम जो है जलाएंगे नहीं, इसे हम पौधे में डालेंगे खाद के रूप में, क्यों गिरने के डर रहता है, आराम से चलो। ये वाला झील का जो होता है ना, इसमें स्लिप हो जाते हैं। अच्छा तो इस बार जो फसल कम है, तो मम्मी ये कह रहे हैं कि अगर ज़्यादा हो जाए तो टाइम लगता है, तो कम फसल है तो जल्दी हो जाएगा काम, तो खेत तो देखिए एक बार पाँव स्लिप हो गया तो नीचे जाएंगे हम सीधे। इस तरह से हर जगह जो है सही जो दिख रहा है, यहाँ पे जो घास काटने आए हैं और हमारे अखरोट उठाने, देखिए कितना कुछ काम है आजकल खेत में, हर जगह से आवाज़ आ रही है चारों तरफ से। अखरोट उतना ज़्यादा नहीं है, तो ये देखिए इस तरह से अखरोट, इसको जो बाहर का छिलका तो फिर अंदर होता है, दिखाऊंगी आपको। तो ये देखिए अखरोट का पेड़ है, अब चलते हम इस साइड को। जाएगा 5 रुपये। अच्छा जी हमारे अखरोट हो गए डन, तो मम्मी ने बाहर का छिलका भी निकाल दिया है, हम यहाँ दिखाओ तो अपने
तो इस तरह से जो हाथ ख़राब हो जाते हैं अखरोट का, अखरोटों से। देखिए किस तरह से हमारा खेत, यहाँ पे जो भालू वगैरह भी होते हैं तो अकेले नहीं आना पड़ता यहाँ पे इस खेत पे। तो यहाँ की मम्मी ने लकड़ियाँ इकट्ठा कर दिया, आज से हम आग जलाएंगे, ठंड हो चुकी है क्योंकि सुबह शाम अखरोट मिलते हुए फिर से मम्मा को क्या सही था छोटू सा अखरोट, अखरोट का बच्चा। तो अभी जो हमारे अखरोट जो खत्म हो चुके हैं, जैसे मैंने आप लोगों से पहले कहा कि इस बार अखरोट ज़्यादा नहीं थे तो जल्दी ख़त्म हो गए। तो मम्मी और मैं जब घर जाने के लिए फोटो के रेडी, तो मम्मी फोन में लगे, तो मैं भी गिल्टा उठा देती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। मैं अभी सुबह 8 बजे के आए हुए, भूख नहीं लगी? नहीं, मैं तो थक गई, हमसे नहीं चला जाता मम्मा जी। कम होता है पर चलने के लिए बहुत है ना, चलने में थक जाते हैं हम, खेत दूर है क्योंकि। तो ये कौन से पत्ते होते मम्मी? कौन से पत्ते होते हैं आप बोल रहे थे अभी अभी? नाम बोल रहे, नाम भूल गए। तो यूज़ क्यों, किस चीज़ के लिए कहते थे इसको? काम आता था। हाँ, खाने के लिए, खाना खाने के लिए। हाँ अच्छा, मम्मी को याद नहीं है तो इनका ये हम पहले खाना खाने के लिए यूज़ करते थे। साफ के टाइम में हाँ ले स्कूल गया कि पहले जो इस तरह से जो घास नहीं मिलता था देखने के लिए, तो अब जो मिलता है क्योंकि अब जो है गाँव में बहुत सारे लोगों की जो गाय नहीं है जिस वजह से ये घास जो है ऐसे ही रहता है। तो पहले जो बिल्कुल भी घास ऐसे देखने को नहीं मिलता था। देखिए अब कितना घास है, घास गाय ना होने की वजह से। और मैं थक गई। अभी जो हम पहुंच चुके हैं अपने खेत में, ऊपर वाले नज़दीक वाले गाँव वाले खेत में, तो यहाँ पर जो है अखरोट भी और भी है बाकी, तो उसे हम कल तोड़ेंगे। बाकी थोड़े से जो आज ही निकाले ये है यहाँ वाले अखरोट, तो ये वाला अखरोट में भी बाकी है। उसके बाद घर वाला भी एक खेत है वहाँ पे भी है बाकी। अभी हमें यहाँ से सब्जी वगैरह निकालनी है, उसके बाद हम चला जाएंगे घर। काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद जो मैं ब्लॉग बना रही हूँ, पीछे बनाया था मैंने उस टाइम बर्थडे वाला ब्लॉग, उसके बाद आज बना रही हूँ। तो ऐसी है थोड़ा बहुत, मतलब मेरा जो है ऐसा नहीं है मेरा कि मेरी वीडियो वायरल हो, मुझे व्यूज आए, मेरे सब्सक्राइबर, ये चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैं ब्लॉग बनाती। कुछ लोग जो है कहा था किसी ने, चलो टाइम आने पे उन्हें मैं बताऊंगी, अभी नहीं, हर चीज़ का वक्त होता है उस टाइम बताऊंगी, अभी नहीं। तो अभी जो है वो कर लेती हूँ काम, तो उस बारे में ज़रूर कभी ना कभी मैं उस चीज़ के ऊपर ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगी, जिन लोगों ने जो मुझे ब्लॉग बनाने पे जो कुछ कहा था। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ कहा था, मैं उस चीज़ को शायद कभी लाइफ टाइम भूल नहीं पाऊँगी जो उन्होंने मुझे कहा था। तो उस चीज़ का जवाब मैं ज़रूर दूँगी उन लोगों के लिए, मुँहतोड़ जवाब दूँगी, ये मैंने सोचा है, इस चीज़ को मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। सबकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, तो हमारी भी है। तो चलिए इन बातों को छोड़ते हुए ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी इस चीज़ का आने वाले टाइम पे, जब मुझे लगेगा ये टाइम सही है उस टाइम ब्लॉग बनाऊँगी। क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था कि हाँ वीडियोज़ पे व्यूज़ नहीं आते, सब्सक्राइबर नहीं आते, ये सारी चीज़ें हैं। मैं अपने शौक के लिए वीडियो बनाती हूँ, ये नहीं है मेरा कि मुझे व्यूज़ आते, मेरे फैन फॉलोइंग है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप जिन लोगों ने ये मुझे कहा उन लोगों को मैं ज़रूर जवाब दूँगी, भगवान की हो रही, बाकी आप लोगों का प्यार आया तो वो भी हो जाएगा एक दिन, पर जवाब ज़रूर मिलेगा सभी उन्हें। चलो मिलते हैं। तो अभी जो हम खेत में पहुंच चुके, इस साइड को लगी है बैंगन, इस साइड को बीन्स जो हम शाम को निकालेंगे, उस साइड को लगी है मिर्च, टमाटर आए हैं उधर को, ये देखिए हमारी मिर्च और ये देखे हमारे टमाटर। तो हमने जब से जब 3-4 महीने हो चुके हमने जो टमाटर नहीं लिए है, तो अभी भी जो है छोटे छोटे टमाटर बाकी वो निकालेंगे और सब्जी भी हमारी। पता नहीं पहले तो कुछ लाई नहीं हमने, अब नहीं थोड़े हाँ शाम को निकालेंगे। चलो फिर चलते अभी। सो आज का व्लॉग जो यहीं पे करती हूँ एंड, मिलते हैं जल्द एक नए व्लॉग साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ, बाय बाय।